नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल प्रिडिक्शन भजन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपसे बात करने जा रहा हूँ IPL 2021 के 54वें मैच की प्रिडिक्शन के बारे में, जो भारतीय समय अनुसार शाम को 7:30 बजे से स्टार्ट होगा। दोस्तों यह मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच में 7 अक्टूबर 2021 को शारजा क्रिकेट ग्राउंड स्टेडियम में खेला जाएगा। इस वीडियो में हम स्टेडियम, पिच रिपोर्ट, वेदर, हेड टू हेड और खिलाड़ियों के प्रदर्शन से इन दोनों टीमों का कंपैरिजन करेंगे। साथ में दोस्तों मैं मेरी पर्सनल प्रिडिक्शन भी आपको बताऊंगा और एक फैंटेसी टीम भी आपको। दोस्तों आप इस मैच के एक्यूरेट प्रेडिक्शन लेना चाहते हो तो सुल्तान क्रिकेट प्रेडिक्शन से कांटेक्ट कर सकते हो, इनका काम काफी बेटर है। इनके व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं इन दोनों टीमों के बारे में। तो दोस्तों पहले बात करते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स के बारे में। दोस्तों अपना लास्ट मैच जीत कर आ रहे हैं सनराइजर्स हैदराबाद से 6 विकेट से, और इनके एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 टीम है। कप्तान इयान मॉर्गन, शुभमन गिल, वेंकटेश अय्यर, राहुल त्रिपाठी, नितेश राणा, साकिब अल हसन, दिनेश कार्तिक इनके बैट्समैन है, सुनील नारायण इनके ऑलराउंडर प्लेयर है, शिवम मावी टीम साउदी, वरुण चक्रवर्ती इनके बॉलर है, जो दोस्तों काफ़ी मजबूत स्थिति में है। दोस्तों अगर बात करें इनके लास्ट मैच परफॉर्मेंस के बारे में, दोस्तों शुभमन गिल ने 57 रन बनाए थे, साथ में दोस्तों नितेश राणा ने भी 25 रन की पारी खेली थी, और दोस्तों साकिब अल हसन ने 1 विकेट लिया था, साथ में दोस्तों टीम साउदी ने 2 विकेट और वरुण चक्रवर्ती ने भी दोस्तों बढ़िया बॉलिंग की थी, 2 विकेट लिए थे। दोस्तों बात करते हैं इनके अपोनेंट टीम राजस्थान रॉयल्स के बारे में। दोस्तों अपना लास्ट मैच हार करा रहे हैं मुंबई इंडियंस से, और इनके एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 टीम है। कप्तान संजू सैमसन, यूएल लुइस, यशस्वी जायसवाल, स्वयं दुबे, ग्लेन फिलिप्स, डेविड मिलर इनके बैट्समैन है, राहुल तेवतिया, रियान पराग इनके ऑलराउंडर प्लेयर है, चेतन साकरिया, सरेश गोपाल, मुस्तफिजुर रहमान इनके बॉलर है, जो दोस्तों काफी मजबूत स्थिति में है। दोस्तों बात करें इनके लास्ट मैच परफॉर्मेंस के बारे में, दोस्तों मुस्तफिजुर रहमान ने 1 विकेट लिया था, साथ में दोस्तों यूएल लुइस ने 24 रन बनाए थे, और दोस्तों यशस्वी जायसवाल ने 12 रन की पारी खेली। दोस्तों अभी तक इन दोनों टीमों के बीच में 23 मैच खेले गए, जिनमें से कोलकाता नाइट राइडर्स ने 12 मैचों में जीत दर्ज किया, जबकि दोस्तों राजस्थान रॉयल्स ने 11 मैच जीते हैं। दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स का राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 191 रन का हाईएस्ट स्कोर है, जबकि दोस्तों राजस्थान रॉयल्स का 199 रन का हाईएस्ट स्कोर है कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ। दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स का 85 रन का लोएस्ट स्कोर है राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ, और राजस्थान रॉयल्स का 81 रन का लोएस्ट स्कोर है कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ। दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स ने 12 में से 3 मैच पहले बैटिंग करते हुए जीते, जबकि दोस्तों 9 मैच बाद में बैटिंग करते हुए जीते। राजस्थान रॉयल्स ने 11 में से 8 मैच पहले बैटिंग करते हुए जीते, जबकि दोस्तों 3 मैच बाद में बैटिंग करते हुए जीते हैं। दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स अपने खेले गए लास्ट 5 मैचों में से 3 मैच जीत करा रहे, जबकि दोस्तों 2 मैचों में हार करा रहे। दोस्तों राजस्थान रॉयल्स अपने खेले गए लास्ट 5 मैचों में से 1 मैच जीत करा रहे, जबकि दोस्तों 4 मैचों में हार करा रहे। दोस्तों इन दोनों टीमों के बीच में लास्ट 2 सालों में 3 मैच हुए हैं, जिनमें से दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स ने 2 मैचों में जीत दर्ज की और राजस्थान रॉयल्स ने 1 मैच में जीत दर्ज किया। दोस्तों इन दोनों टीमों के बीच में इसी दिन में 1 मैच पहले हो चुका है, जिसको दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता था। दोस्तों यह मैच साझा क्रिकेट ग्राउंड स्टेडियम में होने वाला है, यहाँ पर स्पिनर बॉलरों को अच्छा प्रॉपर देखने को मिलता है। दोस्तों यहाँ पर जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले बॉलिंग करेगी, क्योंकि यहाँ पर बाद में बॉलिंग करने वाली टीम के जीतने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। और दोस्तों आपको पता है यार, IPL में चेस करने वाली टीम ही ज्यादा मैच जीत रही है, और दोस्तों यहाँ पर अभी तक टोटल ओवरऑल 63 मैच खेले गए, जिनमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम ने 21 मैचों में जीत दर्ज किया, जबकि दोस्तों बाद में बैटिंग करने वाली टीम ने यहाँ पर 41 मैच जीते और 1 मैच यहाँ पर टाई भी रहा है। यहाँ का एवरेज स्कोर 155 रन है, यहाँ का हाईएस्ट स्कोर 228 रन पर 4 विकेट का है, और दोस्तों यहाँ का लोएस्ट स्कोर 82 रन पर 10 विकेट का है। दोस्तों यहाँ का स्कोर पैटर्न 150 के नीचे 30 बार, 150 से 169 के बीच में 10 बार, 170 से 189 के बीच में 12 बार, और दोस्तों 190+ यहाँ पर 10 बार स्कोर गया है। दोस्तों यहाँ का वेदर क्लियर रहेगा, यहाँ पर बरसात की संभावना बिल्कुल भी नहीं है, और दोस्तों यहाँ का टेम्परेचर 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। दोस्तों अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मैं आपको फैंटेसी टीम भी देता हूँ, साथ में दोस्तों वहाँ पर मैं आपको ठोस प्रेडिक्शन भी देता हूँ। और दोस्तों आपको पता है यार, हमारी वीडियो काफी पहले अगर दोस्तों कुछ चेंज होता है, और दोस्तों अगर हमें भी हमारी प्रिडिक्शन चेंज करनी पड़ती है तो टेलीग्राम चैनल पर ही बताता हूं, तो अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना। दोस्तों बात करते हैं मेरी पर्सनल प्रिडिक्शन के बारे में। दोस्तों आपको पता है यार, राजस्थान रॉयल्स ने भी बढ़िया परफॉर्मेंस किया है अभी तक, और दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स ने भी बढ़िया परफॉर्मेंस किया है। दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स ने अभी तक इस सीजन में 13 मैच खेले, जिनमें से 6 मैचों में जीत दर्ज किया है, और 7 मैचों में इनको हार झेलनी पड़ी है। पॉइंट टेबल में टॉप 4 पर इनका स्थान है, जबकि दोस्तों राजस्थान रॉयल्स ने अभी तक इस सीजन 13 मैच खेले और 5 मैचों में जीत दर्ज किया और 8 मैचों में इनको हार झेलनी पड़ी है। पॉइंट टेबल में टॉप 7 पर इनका स्थान है। दोस्तों पर दोनों टीमें काफी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है, लेकिन दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स प्ले ऑफ में जगह बनाने के लिए दोस्तों इस मैच में जबरदस्त परफॉर्मेंस करती हुई नजर आ सकती है। और दोस्तों गूगल की प्रेडिक्शन के अनुसार इस मैच को 60% कोलकाता नाइट राइडर्स जीत सकती है, जबकि दोस्तों राजस्थान रॉयल्स इस मैच को 40% जीत सकती है। लेकिन दोस्तों अगर बात की जाए मेरी पर्सनल प्रेडिक्शन के बारे में, दोस्तों मेरी पर्सनल प्रेडिक्शन के अनुसार इस मैच को कोलकाता नाइट राइडर्स ही जीत सकती है। दोस्तों आप आपकी पर्सनल प्रेडिक्शन मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, और दोस्तों आपको पता है यार,
क्रिकेट एक अनिश्चितता का खेल है, यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो किसी चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। साथ में दोस्तों, अभी तक आपने सुल्तान क्रिकेट प्रिडिक्शन से कॉन्टैक्ट नहीं किया तो उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, उनके व्हाट्सअप नंबर मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। और दोस्तों, अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो उसको भी ज्वाइन कर लेना। दोस्तों, अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे मैं जो भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आएगा। दोस्तों, आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।